गाइस मैं कॉलेज पहुंच गया हूं, कम से कम एक घंटे बाद पहुंचा हूं कॉलेज, और ये कॉलेज है मेरा पूरा एंट्रेंस। गाइस मैं सच में बता रहा हूं, मैं इतना रास्ता भटका हूं कि कहां जाना था, कहां से आना था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और भाई मैं बहुत बहुत उस तरीके से आया, मतलब कि ले दे के आया हूँ, मैं पहुँचा हूँ। भाई गाइस गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है मनाप, तो मेरे रमन कुमार ब्लॉग्स, मैं कॉलेज में आया हूँ DVC के लिए आज। जैसा अगर आप लोग कल का ब्लॉग देखे होगा तो मैं कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं DVC के लिए स्कूल जाने वाला, कॉलेज जाने वाला हूँ। तो आप गाइस अभी तक के तो कोई दिख नहीं रहा, अभी यहाँ पे मैं ही अकेला हूँ सिर्फ, लेकिन गाइस अब देखते हैं। और ये है R2 जहाँ पे मेरा भाई पढ़ा था, और ये है R1 पूरा, दिखने में तो मस्त लग रहा है। आंटी लेफ्ट पाइप का है, लेफ्ट पाइप मैंने, अच्छा ठीक। गाइस मैं कॉलेज का वीडियो नहीं बना पाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि मेरे को जल्दी से DVC करवाने जाना है। और ये है पूरा बन गया फॉर्म वॉर्म, और इतना मेहनत लगा है, इतना टाइम लगा है, और कंझा जा रहे सब लोग, मैम के टीचर लोग, सर लोग, सब लोग। ये है हमारा पूरा कॉलेज, जैसा आप देख सकते हो पूरा भाई इतना बड़ा है, मैं बता नहीं सकता। और ये है दूसरा वाला, ये कॉलेज Roonta 2, मतलब कि इनके ब्रदर का ही है वो। और ये देखो गाइस, वो है सबसे बड़ा लाइब्रेरी है वो जो आप लोग देख रहे हो, लाल कलर वाला, वो लाइब्रेरी ही होगा क्योंकि मैं एक व्लॉग में देखा था तो वो लोग लाइब्रेरी ही बता रहे थे। और यहाँ से पूरा ये है, देखो मैं फोटो खींच लेता हूँ अपना। गाइस सच में बता रहा हूँ, आप लोग मेरी हाल देख सकते हो कि हाल कैसा हो रखा है मेरा। भाई यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, मतलब इतना कंझट वाला काम है। और अभी जाना है मेरे को दुर्ग पॉलीटेक्निक कॉलेज, वहाँ पे DVC करवाने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर मिला है मेरे को वहाँ पे। और यहाँ पे अपन पूरा फॉर्म भर लिए, सब फिलअप हो चुका है, और बस अब जाना है मेरे को वहाँ पे। और यहाँ पे कोई नहीं है, लिटरली में कोई नहीं है। और मेरी एक फ्रेंड है, नाम नहीं लूँगा उसका, दिव्या शायद, क्या नाम नहीं लूँगा बोलो, और नाम ले दिया। भाई टेंशन, बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा। गाइस सच में ये देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये, यहाँ से लेके वहाँ तक है, और फिर पीछे भी है। जब मैं एक्चुअली में कॉलेज स्टार्ट होगा तो अपन पीछे घूमने जाएंगे, जो कि यहाँ से लेके और पीछे तक ही जाता है, फिर पीछे जंगल आता है पूरा। तो गाइज अभी मैंने मुंह धो लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक नल है, और ये नल का फोर्स देखो, इसको मैं सबसे पहले ऐसे करके थोड़ा चालू किया, तो फिर ये ऐसे करके था, फिर देखा तो इतना तेज, बाप रे, और मेरा पूरा पैंट गीला हो गया था थोड़ा सा। गाइज कम ऑन गाइज, शड़ा मैं ब्लॉग कर रहा हूँ इतना अलग। तो गाइज बस मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, अब अपने घर के लिए घर जाऊँगा, या फिर दुर्ग पॉलीटेक्निक देखता हूँ, क्योंकि मेरे को भूख भी लग रहा है। मैं बस थोड़ा सा राइस खा के आया था, और आप लोग मेरे चेहरे से देखकर बता सकते हो कि मैं थक गया हूँ पूरा। गाइस मौसम इतना खराब है, बारिश होने वाला है। गाइस मेरा काम हो गया, थैंक यू लॉर्ड, क्या बोलते हैं नहीं पता, मैं भूल गया हूँ एक्चुअली में। तो गाइस मेरा पूरा काम हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ घर, और बारिश, पूरा बारिश का माहौल है। और यह रेलवे ट्रैक जो दुर्ग स्टेशन है, गाइस बहुत मज़ा आया। और ऐसा नहीं है, मेरे को सपोर्ट भी बहुत हुआ है मैम लोग के तरफ से, जो मेरी कॉलेज की मैम है वो मेरे को बहुत सपोर्ट करी है इस चीज़ में, मेरे को गाइड करी है, और सही है। घर बहुत पहले, मतलब कि ना 1-2 घंटे पहले ही आ गया था, लेकिन अब मैं आराम किया, फिर चाय पिया, फिर बिस्किट खाया, और फिर बहुत सारा कुछ बात हुआ है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी गाइस किचन में हूं मैं, आप लोग समझ जाओ कि किचन में हूं, कि मैं क्या करता हूं। चाय ऑफ कोर्स गाइस चाय पियेंगे, अभी बहुत पहले से बोल रहे हैं मेरे को बनाने के लिए, लेकिन मैं थका हुआ था, एग्जर्शन करके आया था पूरा, इतना ज्यादा मतलब कि ना मेहनत करके आया था आज, मेरे को ऐसा लग रहा है।
हाँ तो फिर बस अब मैं चाय बनाऊंगा गैस, ताकि सब लोग चाय पिए और अच्छे से रहे। और आज पुराने ही बर्तन में बनाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी बोली है। तो गैस मैं चाय चढ़ा दिया हूँ। गैस आज बहुत मजा आया, बहुत हेक्टिक डे था, मैं बहुत ज्यादा काम किया एज अ गाय। मतलब कि पहले मैं इतना कुछ नहीं किया था, मतलब कि इतना पेपर वर्क, कॉलेज का पूरा पेपर वर्क किया पहले सर और मैम के साथ बैठ कर। उसके बाद फिर मैं वहां से गया सीधा दुर्ग पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहाँ पे मैं ज्यादा व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि कब मेरा नाम आ जाए, कब उन लोग ले दे नाम, उन कुछ पता नहीं है। तो फिर वहां पे ये सब हुआ। उसके बाद फिर मेरा DVC चेक हुआ, मेरे ओरिजिनल मांगे उन लोग, फिर चेक हुआ वो बस एक थप्पे के लिए, इतना 2-3 घंटा उन लोग घुमा दिए। तो वैसे मजा आया मेरे को तो पूरा, मतलब कि एक कब बोल सकते एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये सब चीजों को सीखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और मे भी कल मैं जा सकता हूँ अपना बैंक अकाउंट बनाने के लिए। तो अब देखते हैं आगे कहाँ रास्ता लेकर जाता है। गाइस मेरी चाय आ चुकी है, और गाइस मेरे को आज एक व्लॉग मेरा प्राइवेट करना पड़ा है, आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली पुराना व्लॉग था, उसमें अच्छे खासे व्यूज थे मेरे को, लेकिन उसका प्राइवेट करना पड़ा। और उसमें आप बोल सकते हो कि मेरे एक तरीके से ना उसमें ज्यादा मेरा पे था उसमें, मतलब जितना मेरे को रिवेन्यू था वो अच्छा खासा था, बट मेरे को प्राइवेट करना पड़ा वीडियो वो, क्योंकि कुछ कारणों से मैं भी आप बोल सकते हो, क्योंकि मेरे घर वाले वीडियो देख रहे हैं मेरे, नहीं पता उन लोग अचानक से कैसे पसंद कर रहे हैं मेरे को देखना। तो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड वाला सिचुएशन है मेरे लिए, मेरी सब मेरे मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि तारीफ कर रहे हैं घर वाले लोग मेरा। तो गाइज अभी चाय पी रहा हूँ मैं, उसके बाद कुछ आगे का प्लान रहेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ, जरूर बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा प्यार से। तो गाइज यही था आज का ब्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइज मैं इतना ज़्यादा खुश कभी नहीं हुआ था, क्योंकि आप बोल सकते हो कि पिछले 70 दिन से मैं डेली व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, मतलब कि कभी कभार गैप हुआ है, बट गाइस मैं सच में बता रहा हूँ मैं इतना ज्यादा कभी भी एक्टिव नहीं हुआ था। मैं व्लॉगिंग के लिए आप लोग बोल सकते हो, मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए बहुत सारे चीज छोड़ो, बहुत सारे चीज मैं उसको काउंट भी नहीं कर सकता, बट उस उन चीजों को छोड़ने से मेरे को जितनी ब्लेसिंग्स मिली है वो उन सब चीज को मैं काउंट करके रखा हूँ। और नेगेटिव चीज को मैं इग्नोर करता हूँ, जैसे कि लाइक गरीब लोग को अपन इग्नोर करते हैं, जब बगल में आके मांगते हैं अपन से पैसा, तो अपन जिस तरीके से गरीब लोग को इग्नोर करते हैं गाइज, वैसे ही आप अपने प्रॉब्लम्स को इग्नोर करो। यस यही है गाइज जीवन, यही तो है, इग्नोर करके चलने, बुराई चीज को और अच्छी चीज में फोकस करके चलने, और रिजल्ट हमें फोकस हमेशा रिजल्ट में रहना है। तो बाय बाय गाइज, मिलता हूँ कल नए व्लॉग में। आई होप आप लोग को व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक करना और कमेंट भी करना, और व्लॉग को पूरा भी देखना, ताकि जितना भी एंगेजमेंट होता है गाइज ये उन्हीं सब चीजों से आता है। अगर आप लोग लाइक करोगे और व्लॉग को पूरा देखोगे तो ये रिटेंशन उसी से बनता है। तो यस गाइज मिलता हूँ बस कल नए व्लॉग में। भी मैं नहीं पता 15 मिनट बाद क्या करूंगा, ये व्लॉग एडिट तो हो चुका है और नहीं पता मैं कहाँ पे जाऊंगा। मेरे को मन कर रहा है बताने का कि मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, कल व्लॉग में आप लोग को सरप्राइज दूंगा वो चीज। तो बाय बाय, मिलता हूँ कल नए व्लॉग में, सी अप फेस। और इंस्टाग्राम पे मैं नहीं हूँ, इंस्टाग्राम मैं अनइंस्टॉल कर दिया हूँ, डीएक्टिवेट भी कर दूंगा मैं, अब इंस्टाग्राम में नहीं रहूंगा क्योंकि वो टॉक्सिक प्लेस है एक, और वो बोल सकते हो फेक प्लेस है एक। बाय बाय, टेक केयर।